यार मेरा मूड खराब हो गया मेरा। तो ये है यहाँ पे काफी स्मॉल स्मॉल स्टॉल्स टाइप की लग रखी हैं, जहाँ क्या है ये सूस दीक्षा दी मतलब अच्छी है कंफर्टेबल एकदम, पता ही नहीं चल रहा पहन रखे कि नहीं पहन रहे। वही तो सही लग रहा हूँ, सही लग रहा है मैं? सही बढ़िया। हे गाइस वेलकम बैक आवर चैनल, आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो फिलहाल आज हम आ चुके हैं गाजियाबाद इंदिरापुरम में, और दीदी आई थी मौसी के वहाँ जो आपने व्लॉग में देखा होगा। सो तो उसी हमने प्लान कर लिया था कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं। तो फिलहाल अभी हम आ रखे हैं हैबिटेट सेंटर, मैं बॉबी एंड सचिन, ये वही सचिन है जो फेमस हो रहा है आजकल। और फिलहाल हम आ रखे हैं हैबिटेट सेंटर, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। डीकैथलॉन वगैरह भी शायद यहीं पे है, यहीं पे है ना डीकैथलॉन भी? ओके सो यहाँ एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ का देखते हैं कि कैसा है, और बाकी दीदी बताएगी, बाकी आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, दिखाते हैं चलो। यार मेरा मूड खराब हो गया, मेरा माइक का कनेक्टर टूट चुका है जिससे मेरी आवाज अभी आएगी नहीं आप लोगों को। तो आपको बैकग्राउंड नॉइस आ सकती है, तो सिर्फ आज के लिए इसको अफोर्ड कर लीजिए, नेक्स्ट व्लॉग में आपको कंप्लीट प्रॉपर दिखेगा। बाकी ये देख सकते हैं आप कंप्लीट, तो ये है यहाँ पे काफ़ी स्मॉल स्मॉल स्टॉल्स टाइप की लग रखी हैं, जहाँ पे मतलब कुछ भी खाने पीने का भी आइटम है, ड्रेस होल्ड भी है, सब कुछ है। बाकी शाम के टाइम मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बस एक जगह घुस चुकी है तो वापस नहीं आएगी, तब तक आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं गाइस। ये देख सकते हैं ये सारा, क्या है ये देखिए चाय भी है, मट्टी बाकी नॉर्मल छोटा करोल बाग है, सही है। हाँ कैसे मांग रही है कुछ राखी के लिए, ड्रेस मांग रही है, किडनी दे तो रहे हैं, और किडनी दे रहे हैं ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, किडनी दे रहे हैं, किडनी दे तो रहे हैं। कितने का ये वाला, कितने का? 1300 तो गाइस यहाँ पे कंटेंट निकाला जा रहा है पार्ट दो, ये है कंटेंट निकालने का तरीका। दीक्षा दी फाइनली फाइनली अब हम एंटर कर रहे हैं डीकैथलॉन के अंदर, है दीदी? हाँ जी, अब हम डीकैथलॉन जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। डीकैथलॉन स्पोर्ट्स के लिए है ज़्यादातर, स्पोर्ट्स के रिलेटेड सारा उसका आइटम्स है। सो अब उसके अंदर एक बार देखते हैं सामान क्या क्या है, ठीक है? ठीक है। तुम्हें क्या रहना है, स्किपिंग
मोटी हो रही है वो ले ले, क्या बोलते हैं, जिम मशीन, कूदने वाला। इतनी मोटी भी नहीं हूं मैं। हैं? इतनी मोटी भी नहीं। वो तेरे को क्या पता पब्लिक बताएगी। अच्छा ठीक है। सचिन, लपूसा को सचिन है भाई। ओए भाई के बारे में कोई नहीं बोलेगा फालतू, वो तो मजाक मजाक में हम बोल रहे हैं, वो बात अलग है। हमारा माइक खराब हो चुका है तो आप ज़्यादातर सॉन्ग या सिनेमैटिक व्यू ही अपील कर रहे होंगे, अच्छे लग रहे हैं ना। बॉडी मसाजर ना, इसको तो हिप में भी लगा के कर सकते हैं जब थक जाते हैं। यहाँ पे भी लगा सकते हैं ना, ऐसे वाइब्रेट। अच्छा सही है। जूते निकाल के रखते हैं तो ऊपर रख देना चाहिए। बोली हाँ जी क्या, हाँ जी क्या, हाँ जी का बोला नहीं, कोई तरह से बोले हाँ जी। देखिए जंप सूट तो यहाँ पे आपको ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड जाए प्रॉपर एक ह्यूमन, उसका पूरा कपड़े और उससे लेकर शूज़ वगैरह सब कुछ आपको, फुटबॉल क्रिकेट सब कुछ आपको यहाँ पे इक्विपमेंट मिलेगा। ठीक है, एथलॉन का और प्राइस भी रीजनेबल ही है। कितना प्राइस है? 2000 का, बट ठीक है प्राइस सही है, लग भी अच्छे रहे, लग भी सही रहे। ये पूरे स्पोर्ट्स होते हैं, गोल्फ आज तक गोल्फ पागल है, डरा रहा है गोल्फ। बाकी यहाँ पर आपको सारा आइटम मिल जाएगा, छोटे मोटे जितने बड़े आइटम है, टेनिस बॉल से रिलेटेड, स्पोर्ट शर्ट, जैगिंग, आपको हर आइटम मिल जाएगा। शूज़ मिल जाएंगे आपको, रेंजेस मिल जाएंगे शूज़ के, और बाकी हर आइटम मिल जाएगा। और ये है बैडमिंटन सेक्शन, अलग अलग है, आपको हर आइटम यहाँ पे मिल जाएगा। चंडीगढ़ में तो था नहीं, जैसे दीक्षा जी उन्होंने दिया, पूजा जी उन्होंने दिया था ना। ये यहाँ पे आपको कैंपिंग के लिए पानी की बॉटल्स, मेन पार्ट यहाँ पे जो ये सेक्शन में है वो है कैंपिंग। कैंपिंग के लिए आपको देखो चेयर, फोल्डेबल चेयर अकॉर्डिंग विथ इस कैंपिंग का टेंट वगैरह। गुफा में जाते तो उसकी लाइट है ये जो सर्फ लगाते हैं। MCD वाले हैं ये तारखा है। बाकी आपको यहाँ देख सकते हो टेंट है आपको अगर आप लेना चाहते हैं, जो ब्लॉगिंग करते हैं ना उसके लिए। हाँ ये देखो, ये वो ट्रैवलर जो होते हैं ट्रैवल करते हैं वो ब्लॉगिंग के लिए यहाँ पे ये टेंट। सही है। प्राइस? इसका प्राइस 3000। यहाँ पे देखो ये भी है, ये क्या है, 1700। ये बैग्स हैं, यही बैग्स हैं हमारे जो स्लीपिंग बेड्स होते हैं वो है। बाकी अब आगे वाले में एक्सप्लोर करते हैं कि उसमें और क्या क्या चीज़ है। ये चेयर फोल्डेबल चेयर है, मतलब तुम इसको बंद करके, ये आ चुकी है दीदी जिम करने। तो ये जिम सेक्शन का भी सारे सेगमेंट आपको यहीं से मिल जाएंगे, वेट वगैरह जितना चाहिए। कितने किलो का है, 5 किलो का है, कितने का है? 5 kg। ये ले जबरदस्ती में उठाइयो कोई चीज, मैं मारता था 30-30 25-25 के दो सेट। ये पूरा जिम सेट है कंप्लीट, पूरा बंजिंग रॉड से लेकर आपका स्मॉल सेक्शन, 2.5 किलो के दो भी हैं हमारे पास। जिम जाएगी अगले दिन दीदी। ये बेल्ट भी आपके पास है जो जिसमें लोअर बैक और डिस्क में दिक्कत होती है, बेल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जिम से रिलेटेड सारे आइटम जो सेक्शन है ये आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इसके बाद ये आपके कार्डियो करने की मशीन है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन कार्डियो सेक्शन का है। तो इसके बाद आपके ग्लव्स हैं दीदी, किसके काम आएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपके लिए है योगा मैट। हाथ में दीदी ने बस इसका है 600 का एक योगा मैट है। ठीक है, लगी तो है। बाकी लोवर, जैगिंग, पैंट दीदी वो दिखाना जो लड़कियां, जो लड़कियां करती हैं क्या बोलते हैं बाद में आके, इतना ऐसे ऐसे पापा की तरह कपड़े पहन लाके। तो गाइज यहाँ पे वो चीज़ भी अवेलेबल है जो स्लिम शर्ट्स होती है ना जो गर्ल्स। दीदी दीदी किसके साथ घूम रहे हो तुम, ये शर्म नहीं आ रही, कौन है ये? तो यहाँ पे ना एक गर्ल्स की
हाँ दूसरे वाले पैसे झटका दो ऐसे मुंह के बल गिर गई तो दीदी। चलो नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। अच्छी है ये 499 की शर्ट्स, ये है ना टी शर्ट्स, ये वाली देखो 299 की शर्ट्स, ये वाटर बॉटल, ये वाटर बॉटल बहुत पीते हैं हमारे यूपीएससी में ना बच्चे, मतलब ऐसे रखते थे 2-2.5 लीटर की बोतल। और कौन सा सेगमेंट है यहाँ? ये सेगमेंट अच्छा है गाइस ये देख सकते हैं आप सिनेमेटिक शॉट्स, ये गर्ल्स का है, गर्ल्स सेक्शंस भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जेंडर वाइज व्लॉग है। दीदी ये इनकी वैरायटीज बता सकते हैं, मतलब ऐसा क्या क्या होता है अलग अलग? ये स्पोर्ट्स होती है, स्पोर्ट्स वाली होती है, और जो जिम करती है लड़कियां उनके लिए होती है। अच्छा कैप्स हैं आपके पास, लाइट वेट कैप्स, बहुत ही लाइट, लाइट है ना, बहुत लाइट है, मतलब अच्छी है, कंफर्टेबल एकदम, पता नहीं जनरल पहन रखे कि नहीं पहन रहे, वही तो सही लग रहा हूँ, सही लग रहा है मैं, सही बढ़िया मस्त। हाँ मतलब बहुत लाइट वेट है इसका, यही है ना डीकैथलॉन का, बस लाइट कपड़ा रहता है। हाँ क्वालिटी है यार डीकैथलॉन का। कितने के हो सकते हैं गैस करो, बट पता लगे 1700 की ग्लव्स हैं ये, ठीक है ये अच्छा है आपका सेगमेंट। लेकिन जो बोल रहा था फोन तोड़ के जहाँ बोल रहा था उसके पास वो उठा के वो काम करते रहिए, ठीक है? जैसे मैं बोल रहा हूँ ये कि यही पूरा ब्लॉग दो एक। सो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है बाइसाइकिल सेक्शन। बाइसाइकिल सेक्शन को हम सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाते हैं, क्योंकि मेन डीकैथलॉन जो बोलते हैं साइकिल्स के चक्कर में मेनली जाना जाता है, मेनली जो मुझे लगता है, तो वो यही है मेन सेगमेंट साइकिल का। वो तुम कहाँ गए थे बाइसाइकिल लेने के लिए वाली? अच्छा सही है, बड़ों की उल्टा दे दिया। तो ये साइकिल का कंप्लीट सेक्शन है। वाटर मेरे को भी दे दिया मुझे अपना ग्लास में। तो दीदी आपने कभी मतलब स्पोर्ट्स सॉक्स ट्राई कर रखे कभी? देखो मतलब 260 के एक पीस एक जोड़े हैं सॉक्स के, 160 है, ओके इसमें है थ्री पीस की, क्या है सॉफ्ट है? अच्छा ये अच्छा बताओ, हाँ ये बॉयज के सेक्शन से हैं जो डार्क कलर हैं, बाकी लाइट कलर में तो गर्ल्स के ही हैं सारे। और मेड इन इंडिया लगती है, 5499 क्या है भाई प्लीज, के अंदर 6000 के जूते होगा भाई कुछ तो। हाँ हे कैसे खेलते हैं? बैट से खेलना आता है। ओ ओ ओ, ओ, ओ। लगी तो नहीं
आग फोड़े तिल शर्म देने यहाँ पे देखे आइए भल लाग में यार दे दीदी ये क्या होती है ये पैरों में पहनने के लिए आप देख सकते हो ये सारे बैट्स भी हैं यहाँ पे बिल्लो के भी बैट्स मिल जाएंगे आपको अब उससे मत खेल बैट्स आपको यहाँ से परचेज मत करना आप पैसे बैट्स उतने प्रॉपर अच्छे नहीं है बट बाकी शूज़ वगैरह जो बाकी इक्विपमेंट्स होते हैं वो ले सकते हो कि कैरम बोर्ड है आर्म फोर्सेस ड्रेस आपको यहाँ मिलेंगी इस देखी होगी डी कैथलॉन के अंदर मेनली स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें जहाँ पे आप क्रिकेट से लेकर बास्केटबॉल वॉलीबॉल स्विमिंग के इक्विपमेंट से लेकर बाइसाइकिल जो मेनली फेमस है इस पर्पज़ के लिए वो आपने देखा होगा तो आप आ सकते हैं और एक पहले व्लॉग भी हमने डाला हुआ है डी के वो डी मार्ट का था वो कहाँ कहाँ का था वो तुगलकाबाद का था तो ये डी कैथलॉन का हमारा फर्स्ट व्लॉग है आई होप आप सब इसको अच्छी तरह प्रॉपर प्यार दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को मेरे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है ना दीदी जरूर करना बेल आइकन पे घंटी दबा देना बाकी व्यू देख कितना तगड़ा आ रहा है यार नहीं तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और हाँ याद से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इसमें काफ़ी एफर्ट्स चल रहे हैं तो गाइस सपोर्ट दिखाओ के लिए स्कूटियों को धक्का लगाना पड़ रहा है तो गाइस हम पहुंच के आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर को तो चलते चलते बात करते हैं पकड़े हमें मैं निकला ओके